राज, 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 मेरी बात सुनिए ना प्लीज। राज आप मुझसे ऐसे मुंह क्यों फेर रहे हैं? क्या है? क्या हुआ राज? वो नीचे, वो मैं और रजनीश एक साथ, जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ पूछा? लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ राज, सामने से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं गुस्सा किसी भी बात पे हो सकता हूँ मिस पूरा। राज तो बताइए ना प्लीज, आप मुझसे किस बात से गुस्सा? क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, एग्जाम सर पे है तुम्हारे, लेकिन फूल छांटने हैं, लाइट चेक करनी है, घर में और भी लोग हैं ये सब तैयारियां करने के लिए, लेकिन प्लीज तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो। राज मैं अपने एग्जाम को लेके बहुत सीरियस हूँ, लेकिन गीतू अक्का की सगाई है, बहन होने के नाते मुझे ये सब करना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए ये सब कर रही हूँ। हाँ मैं फूल छांट रही हूँ, लाइटें चेक कर रही हूँ, पर साथ ही साथ मैं रजनीश के क्वेश्चन का आंसर भी दे रही थी। राज, रजनीश हमारा स्टडी पार्टनर, रजनीश बहुत चिंता है उसे तुम्हारी पढ़ाई की, और बाय द वे तुम दोनों की ट्यूनिंग जो है ना बहुत अच्छी है। आपको जलने की स्मेल आ रही है, जेलसी हो रही है आपको? जेलस मैं? व्हाट नॉनसेंस, इतना इनसिक्योर नहीं हो कि उस रजनी से जलूं मैं। राज आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप बहुत जेलिस है, ऊपर से सलाइवा मोरा, रंबो नल्ला कॉम्बिनेशन, हाउ क्यूट। मिस पूनम प्लीज, मैं इतना भी इमैच्योर नहीं हूं, ना तो मुझे जलन होती है ना ही शक। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक चीज याद रखना, ये सब चीजें रिश्ते खराब करती हैं, और हमारा रिश्ता बहुत गहरा, ये बात मैं भी जानता हूं और तुम भी जानती हो। एंड दैट गाय रजनीश, प्लीज बी केयरफुल, उसकी वाइब अच्छी नहीं है। राज आपने मुझसे पहले भी कहा था उससे दूर रहो, पर मुझे एक गलती तो बताइए जो उसने की हो। मुझे नहीं लगता कि रजनीश में कोई बुराई है, वो मिस पूनम माय इंस्टिंक्ट्स, वो झूठे नहीं होते। वही तो मैं बोल रही हूँ, इंस्टिंक्ट्स नहीं, जेलसी। राज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक बात समझ में आती है कि रजनीश हमारे हॉस्पिटल में एक इंटर्न है, एक स्टूडेंट है, लेकिन फिर हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई उसकी, और मेरी बहन के फंक्शन में आके सबकी हेल्प कर रहा है यहाँ पर, दैट्स सो अनप्रोफेशनल। राज अगर आपको उससे इतनी प्रॉब्लम है तो जाके कह दीजिए ना कि चले जाए यहाँ से, वो चला जाएगा, सिंपल। दैट्स अ ग्रेट आइडिया बाय द वे। नहीं राज, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना, I think you should leave now. पर मैं तो यहाँ पर बस यहाँ तुम हेल्प करने आए थे यहाँ पर, राइट? बट आई टेल यू समथिंग, ना तो तुम हमारी फैमिली हो और ना ही तुम हमारे फ्रेंड हो, और हमारे घर पे आज एक फैमिली अफेयर है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर रहकर तुम्हारी पढ़ाई पे असर पड़ेगा, सो प्लीज गो बैक टू द हॉस्पिटल, वहां जाके पढ़ो। और पूनम, उसकी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एज अ फाउंडर ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पूनम और बाकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, प्लीज गो बैक एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। नाउ व्हाट? ऐसे कैसे निकाल सकता है मुझे यहां से? मैं यहां पर पूनम के साथ पढ़ाई करने आया हूं, पूनम यहीं पर रहती है ना, तो मैं यहां से पूनम से पूछे बिना नहीं जाऊंगा मिस्टर राज। डोंट यू डेयर रजनीश, अपने हाथ में रहो, आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरीके से बात करने का। हक है, क्योंकि तुम मेरे एम्प्लॉई हो और हॉस्पिटल में इंटर्न, और पूनम भी आपकी इंटर्न है और मेरी कलीग, और एक कलीग से बात करने से आप मुझे नहीं रोक सकते मिस्टर। रोक सकता हूं रजनीश, क्योंकि आज से ना तो वो तुम्हारी को कलीग है और ना ही इंटर्न तुम्हारे साथ। यू आर फायर्ड। ये क्या कर रहे हैं आप? इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाण, आई वांट हिम आउट राइट नाउ।
तू मेरी बाजी पलटने चली थी पूनम, पर नहीं कर पाएगी। जो मुझे करना था मैंने कर दिया है। मैंने राज के दिमाग में शक का कीड़ा डाल दिया है।